अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू में डाल देंगे और साथ ही हम इसमें एसेंस यूज़ करेंगे, बिरयानी एसेंस। तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, आप कोई भी एसेंस बिरयानी का लें और वो यूज़ कर लें। यहाँ आखिर में हम इसमें जर्दे का कलर ऐड करेंगे, उसमें हमने केवड़ा मिला दिया है और साथ ही हमने लीमू डाल दिया है। इससे क्या होगा कि चावलों पर कलर नहीं चढ़ेगा, सारे चावल वरना क्या होते हैं एक रंग के हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ जितने चावलों पर कलर चढ़ाना है उतना ही चढ़ेगा लीमू डालने के। ये मैंने आपको टिप दे दी है एक, किसका क्या फ़ायदा है। तो अब इसमें देखें, अब मैं जर्दे का रंग ऐड कर दूंगी और आखिर में जो प्याज हमने ब्राउन की थी तो ये ब्राउन हो चुकी है, तो ये प्याज मैं इसमें डालूंगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इस प्याज को डालने से, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और ऑयल भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ऑयल जो है हमने पहले ऐड नहीं किया है, तो यही ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद हम देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 15 मिनट हो चुके हैं और ज़बरदस्त सी खुशबूएं आ रही हैं। तो चलिए इसको मिक्स करके देखते हैं। बिल्कुल बिरयानी रेडी हो चुकी है, तो देखें कितनी अच्छी बिरयानी रेडी हुई है, मज़ेदार सी बिरयानी। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये मज़ेदार सी लजीज सी बिरयानी बनके झटपट रेडी हो चुकी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।